साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराइए, वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। 139 साल पहले 31 जुलाई को धनपत राय पैदा हुए थे। आज हम उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं और याद करते हैं। जी, मशहूर साहित्यकार, कलम का सिपाही प्रेमचंद। उनकी मौत भी 83 साल पहले हो चुकी, यानी कुल जमा 56 साल की उम्र पाई। ऊपर की लाइनें उन्हीं की हैं जो मैंने अभी पढ़ी। आज प्रेमचंद को क्यों पढ़ रहे हैं? प्रेमचंद समसामयिक है। एक नजर में लग सकता है कि 8 दशक पहले जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है, उसे याद करना महज एक रस्म अदायगी होगी, क्योंकि जब वे लिख रहे थे तो देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, नया भारत बनने के ढेरों ख्वाब थे। उस वक्त की सामाजिक सियासी जरूरतें कुछ और रही होंगी, इसलिए उनके लिखने में वो और बातें थी, चुनौतियां भी एकदम अलग थी। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी लिखी बातें उस वक्त को समझने के लिए जरूर कारगर होंगी, मगर रचनाओं का जो भंडार वो जमा कर गए, अगर उन पर नजर दौड़ाई जाए तो वे आज भी जिंदगी और समाज को समझने में निहायत मददगार हैं। इसलिए प्रेमचंद को याद करना महज एक सालाना रस्म पूरा करना नहीं है। इस 70 साल बाद भी अनेकों ऐसे सवाल हैं जो हम रोज हमसे टकराते हैं। उस टाइम के मुल्क में भी वो सवाल थे, प्रेमचंद के दौर में भी फिरका पस्ती यानी कि सांप्रदायिकता, नफरत फैलाने और देशवासियों को बांटने का काम कर रही थी, और आज भी फिलहाल देश में वही हो रहा है। इस पे मैं ये उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आज़ादी के आंदोलन की पहली पात के लीडरों की तरह ही प्रेमचंद का मानना था कि स्वराज के रास्ते में सांप्रदायिक नफरत बहुत बड़ी बाधा है। इस सवाल के इर्द गिर्द उनकी कई टिप्पणियां हैं। 1934 में इसी तरह वो अपने एक लेख में कहते हैं कि हम तो सांप्रदायिकता को समाज का कोड समझते हैं, जो अपना छोटा सा दायरा बना सभी को उससे बाहर निकाल देती है। तो उनका यही लेख आज आपके सामने है, शुरू करता हूं। सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वो उस गधे की बाती है जो खाल ओढ़कर जंगलों में जानवरों पर रोब जमाता फिरता है, संस्कृति का खोल ओढ़कर वो आता है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को, दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अब न कहीं हिंदू संस्कृति है, न मुस्लिम संस्कृति, न ही कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है, वो है आर्थिक संस्कृति। अगर आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं, हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आर्य संस्कृति, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, हिंदू मूर्ति पूजक है तो क्या मुसलमान कब्र पूजक और स्थान पूजक नहीं है? ताजिए को शरबत और शारिनी कौन चढ़ाता है? मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है? अगर मुसलमानों में एक संप्रदाय ऐसा है जो बड़े बड़े पैगंबरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है, तो हिंदुओं में भी एक ऐसा तबका है जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े और नदियों को केवल और केवल पानी की धारा और धर्म ग्रंथों को गपोड़े समझता है। यहाँ तो हमें दोनों संस्कृतियों में कोई अंतर नहीं दिखता, तो फिर क्या भाषा का अंतर है? भाषा से हम संस्कृति को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह लें, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसे ही अपरिचित वस्तु है जैसे मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो, बंगला हो या मराठी हो या कोई और भाषा हो। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता है जिस तरह बंगाली हिंदू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। सीमा प्रांत का हिंदू उसी तरह पश्तो में बोलता है जैसे वहाँ का मुसलमान बोलता है।
तो फिर क्या पहनावे में अंतर है जो संस्कृतियों को अलग करता है? सीमा प्रांत के हिंदू और मुसलमान स्त्रियों की तरह कुर्ता और ओढ़नी पहनते हैं, हिंदू पुरुष भी मुसलमान की तरह कुला और पगड़ी बांधता है, अक्सर दोनों की दाढ़ी भी रखते हैं। बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियाँ दोनों ही साड़ी पहनती हैं, हिंदू और मुसलमान पुरुष दोनों कुर्ता और धोती पहनते हैं। तहमत की प्रथा बहुत हाल में चली है जब से सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा है। अब खान पान को ले लीजिए। मुंशी प्रेमचंद खान पान के बारे में लिखते हैं कि अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी 80% मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं और ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी शराब पीते हैं। नीचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं और नीचे दर्जे के मुसलमान भी शराब पीते हैं। मध्यम वर्ग के हिंदू या तो बहुत कम शराब पीते हैं या फिर भांग के गोले डाते हैं, जिसका नेता हमारा पंडा पुजारी जो क्लास है वो है उसकी नेता। मध्यम वर्ग के मुसलमान भी बहुत कम शराब पीते हैं। हाँ, कुछ लोग अफीम की पीनक अवश्य लेते हैं, मगर इस पीनक बाजी में हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से पीछे नहीं है। हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस भी खाते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कई सारी ऐसी जातियां हैं जो गाय का मांस खाते हैं, यहाँ तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़ते। हालांकि बधिक और मृतक मांस में विशेष अंतर नहीं है। संसार में हिंदू ही एक जाति है जो गौ मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है। तो क्या इसलिए हिंदू को समस्त विषयों से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए? संगीत और चित्रकला की अगर बात करें तो ये भी संस्कृति के एक अंग हैं, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागनियाँ दोनों गाते हैं और मुगल काल की चित्रकारियों से भी हम परिचित हैं। नाट्यकला पहले मुसलमानों में रही हो ना रही हो, लेकिन आज इसके सींगे में हम भी मुसलमान को उसी तरह पाते हैं जैसे हिंदुओं को। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वो कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखंड है। शीतल छाया में बैठ विहार करते हैं ये सीधे साधे आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के रक्षक वही महानुभाव और वही समुदाय हैं जिनको अपने ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर और सत्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अंततः एक ऐसी शक्ति की जरूरत समझते हैं जो उनके झगड़ों में सरपंच का काम करती है। इन संस्थाओं को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। उनके पास कोई ऐसा सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे राष्ट्र के सामने रख सके। उनका काम केवल एक दूसरे को विरोध करके सरकार के सामने फरियाद करना। वे ओहदों और हिदायतों रियायतों के लिए एक दूसरे से चढ़ाव ऊपरी करके जनता पर शासन करने में शासक के सहायक बनने के सिवा कुछ भी नहीं है। मुसलमान अगर शासकों का दामन पकड़कर कुछ रियायतें पा गया है तो हिंदू क्यों ना सरकार का दामन पकड़े और क्यों ना मुसलमानों की भांति सुखरू बन जाए, यही उनकी मनोवृत्ति है। कोई ऐसा काम सोच निकालना जैसे हिंदू और मुसलमान दोनों एक राष्ट्र को उद्धार कर सकें। उनके विचार शक्ति से बाहर हैं। दोनों ही सांप्रदायिक संस्थाएं मध्यम वर्ग के धनिकों, जमींदारों, ओहदेदारों और पद लोलुपों की हैं। उनका कार्य क्षेत्र अपने समुदाय के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना है जिससे वो जनता पर शासन कर सके, जनता पर आर्थिक और व्यवसायिक प्रभुत्व जमा सके। साधारण जनता के सुख दुख से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर सरकार की किसी नीति से जनता को कुछ लाभ होने की आशा है तो इन समुदायों को कुछ क्षति पहुंचने का भय है, तो वे तुरंत उसका विरोध करने को तैयार हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा गहराई तक जाएं तो हमें इन संस्थाओं में अधिकांश ऐसे सज्जन मिलेंगे जिनका कोई ना कोई निजी स्वार्थ लगा हुआ है। और कुछ ना सही तो हुक्काम के बंगालों को उनकी रसोई सरल हो जाती है। एक विचित्र बात है, इन सज्जनों को की अफसरों की निगाह में बड़ी इज्जत है, इनकी वे बड़ी
खातिर करते हैं। इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे समझते हैं ऐसों पर उनका प्रभुत्व टिका हुआ है। आपस में खूब लड़े जाओ, खूब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, उनके पास फरियाद लिए जाओ, उन्हें फिर उन्हें किसका नाम है, वे अमर हैं। मजा ये है कि पाखंड फैलाना भी शुरू कर दिया लोगों ने कि हिंदू अपने बूते पर स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से उसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। इसी तरह की गलत फहमियाँ फैला कर इसके सिवा कि मुसलमानों में और ज़्यादा बदगुमानी फैले और नतीजा नहीं निकल सकता। अगर कोई जमाना था तो कोई ऐसा काल भी था जब हिंदुओं के ज़माने में मुसलमानों ने अपने साम्राज्य स्थापित किया था। उन जमानों को भूल जाइए, वो मुबारक दिन होगा जब हमारे शालाओं में इतिहास उठा दिया जाएगा। ये जमाना सांप्रदायिक अभ्युदय का नहीं है, ये आर्थिक युग है। और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे ये अंधविश्वास, ये धर्म के नाम पर किया गया पाखंड, ये नीति के नाम पर गरीबों को दुहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है न जरूरत है। संस्कृति अमीरों पेट भरों का, बेफिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। उस संस्कृति में था ही क्या जिसकी वे रक्षा करें। जब जनता मूर्छित थी तब उस पर धर्म और संस्कृति का मोह छाया हुआ था। जो जो उसकी चेतना जागृत हो जाती है वो देखने लगती है कि ये संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति थी जो राजा बनकर, विद्वान बनकर, जगत सेठ बनकर जनता को लूटती थी। उसे आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है। जो संस्कृति रक्षा से कहीं अधिक आवश्यक है, उस पुरानी संस्कृति में उसके लिए मोह का कोई कारण नहीं है और सांप्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ आंखें बंद किए हुए ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे उसकी प्राधीनता चिरस्थाई बनी रहेगी। ये मुंशी प्रेमचंद का लेख था, 1934 में उन्होंने लिखा था, संस्कृति और सांप्रदायिकता। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।